हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हिमाचल में होने वाली एन भर्ती की और आयुष विभाग में होने वाले विभिन्न पदों पे भर्ती की पहले बात करते हैं एन भर्ती की प्री नर्सरी टीचर यानी एन टीचर्स की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग अब चंडीगढ़ फॉर्मूले पर विचार करने जा रहा है शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक में तय किया गया है की एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक की जाए इस बैठक के जरिए चंडीगढ़ फार्मूले पर स्कूल के नज़दीक स्कूल में ही मौजूद आंगनवाड़ी केंद्र में ही प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने की संभावना देखी जाएगी समीक्षा बैठक में तय हुआ है कि शिक्षा विभाग पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद शिक्षा मंत्री को बताया जाएगा जहाँ तक एन कोर्स की बात है तो दो साल की अवधि का ये कोर्स राज्य सरकार की अपनी डाइट में शुरू किया जाएगा राज्य सरकार की कोशिश है कि आगामी शिक्षा सत्र से 500 प्राइमरी सो हाई दो सौ सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और पचास डिग्री कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाए हिमाचल में होने वाली एन भर्ती पे कोई भी नोटिफिकेशन आते ही मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 140 पद 740 आयुष वेलनेस केंद्रों में योगा गाइड 22 होम्योपैथिक चिकित्सक और 25 लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी आयुष मंत्री ने कहा कि 740 आयुष वेलनेस केंद्रों में योगा गाइड 22 होम्योपैथिक चिकित्सक और 25 लैब टेक्नीशियन की जल्द भर्ती की जाएगी आयुष विभाग में होने वाली भर्ती पर कोई भी नोटिफिकेशन आते ही मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा धन्यवाद